1977 से वो यहाँ राजनीति करते हैं, लेकिन उन्होंने आज तक 2022 तक आज तक उन्होंने मंत्री का भी मौका मिला, एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी रहे, लेकिन कटिहार को वो कुछ दे नहीं सके। बड़े अफसोस की बात है। देखिए, कांग्रेस को मेहनत करना चाहिए, मेहनत नहीं करती, आराम तलब होती। और राष्ट्रीय जनता दल के वोट पर, लालू जी और तेजस्वी जी के वोट पर रोटी सेकना चाहती है, लेकिन कुछ करोगे नहीं या सिर्फ मांगोगे टिकट, तो इससे तो नुकसान होता है पूरे बिहार का। बिहार में महागठबंधन में दरार की चर्चा के बाद अब जिला स्तर पर भी इसका असर पड़ने लगा है। राजद और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ लोकसभा में उम्मीदवार उतारने पर भी अभी से ही ताल ठोक रहे हैं। सबसे बड़ी लड़ाई सीमांचल क्षेत्र में राजद और कांग्रेस के दो दिग्गज नेताओं के बीच खुलकर सामने आने लगी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सब पूर्व सांसद तारिक अनवर इस बात को मान रही हैं कि प्रदेश की राजनीति में गठबंधन में दरार का असर जिला की राजनीति में भी हो रहा है। जहां तक राजद और राज्यसभा सांसद अहमद इसफाक करीम द्वारा विधान परिषद चुनाव परिणाम आने के बाद से ही लगातार तारिक अनवर को इस हार का जिम्मेदार बताया था। इस सवाल पर कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव तारिक अनवर हल्के में लेने का दिखावा करते हुए सांसद अहमद इसफाक करीम को माफ करने की बात कही। राजद के कई बड़े नेता आपके भी खिलाफ जो लोकसभा चुनाव, भाई हर आदमी स्वतंत्र है अपनी बात कहने के लिए, और जहाँ तक है कि भाई जो भी गठबंधन बनेगा तो राज्य स्तर पर बनेगा, और राज्य स्तर में जब ठीक ठाक रहेगा तो जिला में भी ठीक रहेगा, लेकिन जब वहाँ गड़बड़ होता है तो फिर उसका असर जिला में पड़ता है। राज्यसभा सांसद का बयान है कि आपका विरोध करें, किस तरह से वही इस पर सीमांचल के राजद के कद्दावर नेता अहमद इसफाक करीम इस बार मजबूती से ताल ठोकते हुए अभी से ही कटिहार और सीमांचल के अन्य जिलों में लोकसभा चुनाव में राजद की उम्मीदवारी की बात कह रहे हैं। इस मौके पर राज्यसभा सांसद अहमद इसफाक करीम ने कांग्रेस को कई नसीहत देते हुए तारिक अनवर पर भी बड़ा सवाल किया। बड़े नेता भी अब खुलकर बोलने लगे तारिक साहब, इस तरह इशारा करें, क्या कहेंगे आप लोग आगे रिश्ता को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, तारिक साहब का एक हैबिट आप जान लीजिए, आप सभी लोग कटिहार के हैं, 1977 से वो यहाँ राजनीति करते हैं, लेकिन उन्होंने आज तक 2022 तक आज तक उन्होंने मंत्री का भी मौका मिला, एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी रहे, लेकिन कटिहार को वो कुछ दे नहीं सके। बड़े अफसोस की बात है। और उनके बारे में हम क्या कहें, जब वो एनसीपी में गए तो हाथ पांव जोड़ करके कांग्रेस से भी समर्थन लेते थे, हमारे नेता माननीय लालू जी से भी समर्थन ले लेते थे, सबके सहयोग से ये जीतते आ रहे थे। आज उनको कम से कम ये सोचना चाहिए कि लोगों का एहसान है कि बार बार जिताते रहे, ना वो कांग्रेस के हुए, ना एनसीपी के शरद पवार जी के हुए, न प्रफुल्ल पटेल जी के हुए, कभी हारे भी तो राज्यसभा मिल जाता था, उनके फितरत में शामिल है, उनको एहसान का बदला नहीं आता है सधाने के लिए कि किसी ने एहसान किया तो कम से कम कुछ नहीं दे सकते तो खामोश रहें। वो आपको माफ़ीनामा दे रहे हैं क्या, किस चीज़ का माफ़ी मांग? इसलिए देते होंगे कि जब मैंने ये बात मैं कहता हूँ बराबर कि सोनिया गांधी कितनी उदार हैं, जिसके पीठ में छोरा भोंकने का काम किया, उनको सोनिया जी को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया बल्कि वाजपेयी जी को प्रधानमंत्री बना दिया भाजपा को, तो ये सब जो हम कहते हैं कि सोनिया गांधी के साथ कांग्रेस के साथ उन्होंने ऐसा किया, इसी सब के बारे में बोले हुए कि भाई माफ़ कर दिया, हो सकता है। आगे क्या उम्मीद करेंगे लोकसभा में, इस बार क्या उम्मीद करेंगे? राष्ट्रीय जनता दल लड़ेगी कटिहार, राष्ट्रीय जनता दल लड़ेगी पूरे सीमांचल में लड़ेगी, जहाँ कांग्रेस की सीट है, जहाँ जीता हुआ होगा वहाँ के बारे में हमारी पार्टी सोचेगी क्या करे, लेकिन बाकिया जगह तो लड़ेगी ही, और गठबंधन ज़रूरी नहीं है कि हो जो हालात हैं। देखिए, कांग्रेस को मेहनत करना चाहिए, मेहनत नहीं करती, आराम तलब होती। और राष्ट्रीय जनता दल के वोट पर, लालू जी और तेजस्वी जी के वोट पर रोटी सेकना चाहती है, भाई मेहनत करो, अपने आप को प्रमाणित करो कि कांग्रेस का वोट है, जनाधार है। ऐसे ही मनिया लालू जी उदाहरण दे देंगे आपको सीट ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन आप करते कुछ नहीं हो, खाली सीट मांगते हो। पिछले दिनों 70 सीट दिया, आप 19 सीट लेकर के आए,
एक MLC के लाख भी सीट नहीं लाए, एक राज्यसभा के लाख सीट नहीं लाए। तो सवाल है मेहनत करो मांगो, बे मेहनत के कुछ नहीं होता। तुम दौरा करो, मिलो जुलो, गरीबों के पास जाओ, दुखियारों के काम आओ, कोई प्रोग्राम करो। बड़े बड़े नेता सोशलिस्ट गुजरे, बड़े बड़े क्या कहते हैं आज़ादी में लड़ाई लड़ने वाले बिहार के लोग चले गए, उनके नाम पर करो कुछ, कुछ तो करो, फिर मांगो मिलेगा। लेकिन कुछ करोगे नहीं या सिर्फ मांगोगे टिकट, तो इससे तो नुकसान होता है पूरे बिहार का। सरकार बदलना है, अपनी सरकार बनानी है, अब मेहनत करो। मेहनत करोगे लालू जी सीट देंगे, मेहनत नहीं करोगे समझौता नहीं होगा। पूरे बिहार के साथ साथ खासकर सीमांचल की राजनीति में दमखम रखने वाली राजद के राज्यसभा सांसद अहमद इसफाक करीम और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव तारिक अनवर के इस अनबन से फिलहाल कटिहार के साथ साथ पूरे सीमांचल में महागठबंधन की राजनीति का गांठ और उलझता जा रहा है, जिससे 2024 को लेकर NDA खेमे में एक खुशी का माहौल है। कटिहार से बोलता बिहार की रिपोर्ट, आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ ही अगर आप यह वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।